तो दोस्तों यहाँ पे 1 दिसंबर 2019 से कुछ और बदलाव आप लोगों के लिए होने वाले हैं। कुछ और बदलाव के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, 4 से 5 बदलाव के बारे में। तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ और बदलाव हैं जो कि जानना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों कि RBI द्वारा नेफ्ट सर्विस जो आप लोगों को बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का मौका देती है, अब आप लोगों के लिए 24 घंटे खुली है हर वीक के लिए। यानी कि अब लग 24x7 आप लोग यूज़ कर सकते हैं नेफ्ट सर्विस को। अभी तक क्या था कि 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक था, लेकिन अब आप लोगों को पूरे दिन पूरे रात मिलने वाली है। अब यहाँ पे IDBI ग्राहकों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उनको अपना बैलेंस चेक करके ही अपना ट्रांजेक्शन करना होगा। तो IDBI का कहना है कि अगर आप लोग की तरफ से कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है, ठीक है, इनसफिशियंट बैलेंस की वजह से, चाहे आप लोगों ने अपनी जो फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो पार करी हो या ना करी हो, तो आप लोगों को ₹20 चार्जेस देने पड़ेंगे। ये IDBI की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है और ये 1 दिसंबर 2019 से लागू हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है आप लोगों के लिए, या फिर कह लीजिए कि नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए है, वो ये है कि आइडिया वोडाफोन की टैरिफ्स बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे आप लोगों के कई रीजन में 35% बढ़ा दिया गया है। लगभग आप लोगों की जो भी टैरिफ प्लान्स हैं, चाहे अनलिमिटेड कॉल की हो या फिर आप लोगों का अनलिमिटेड डेटा की हो, तो वहाँ पे आप लोगों को टैरिफ प्लान सब आइडिया वोडाफोन लिमिटेड के महंगे मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे एयरटेल और जियो भी मे बी आगे आप लोगों के बढ़ा सकते हैं, इनकी तरफ से भी सर्कुलर आया था कि ये बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को कहा था गैस प्राइजेस बढ़ सकती हैं दिसंबर में, तो आप लोग देख सकते हैं गैस प्राइजेस बढ़ चुकी हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की गैस प्राइजेस हैं, तो आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर इसके बारे में पता कीजिए कि अभी उसकी प्रेजेंट प्राइस क्या होने वाली है। ये लगातार तीसरा या फिर चौथी बार होगी जो हर महीने ये बढ़ती जा रही है गैस की प्राइजेज। और यहाँ पे दोस्तों एथेनॉल की प्राइस भी बढ़ चुकी है, जो कि इंक्रीज हुई है आप लोगों की 43 रुपये से 43.75 रुपये। और वहीं पे बी टाइप वाला दोस्तों 52.43 रुपये था, जो कि 54.27 रुपये हो गया है। और बाकी चीनी वगैरह से जो खाद्य चीज़ों से बनाई जाती हैं, वो 59.48 रुपये प्रति लीटर के प्राइजेस रखी गई हैं। तो एथेनॉल का यूज़ बेसिकली होता है दोस्तों, जो खास करके यूज़ होगा वो आप लोगों का होता है तेल बनाने में। तो यहाँ पे आप लोगों का दिक्कत होने वाली है, थोड़े से महंगे तेल आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आप लोगों को 1 दिसंबर 2019 से आगे पूरे दिसंबर और हमेशा के लिए आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बताएं और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।